सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरु जी। आप सभी ठीक होंगे मित्रों, और इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग की एक लिस्ट है दोस्तों, जो कि सोशल साइंस की है। और ये लिस्ट है जो प्राथमिक शिक्षक हैं वह मिडल में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 शिक्षक इसमें हैं और 500 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे यहाँ पर। अगर DPI समायोजन के आदेश साथ में नहीं निकालता तो ये अतिथि शिक्षकों का क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर सरल क्रमांक दिया है और वरिष्ठता क्रमांक है, लोक सेवक का नाम है, यूनिक ID है, वर्तमान पदनाम और पदस्थ संस्था का नाम, विद्यालय का डाइस कोड, शिक्षण एक योग्यता, स्नातक के विषय समूह हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, व्यवसाय की योग्यता, कैटेगरी, जेंडर, जन्म तिथि, प्रथम नियुक्ति दिनांक, प्रति नियुक्ति और वरिष्ठता दिनांक और पद स्थापना, जिला का नाम और अंतर जिला निकाय जनपद नगर निगर नगर निगम नगर परिषद का नाम, उच्च पद प्राप्त हाँ या नहीं और यहाँ पर रीमार्क। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा मित्रों। सबसे पहला नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक, और इनका जो संस्था है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगरौली का मिडिल स्कूल यहाँ पर इनको मिला है, और विद्यालय का डाइस कोड, शैक्षणिक योग्यता BA पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस, और इनकी व्यवसाय की योग्यता DED है, और इनकी कैटेगरी SC है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20/1/1988 और सिंगरौली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इस तरह के यहाँ पर कितने नाम है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद में सोनावती सिंह यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक, और ये आए हैं MS देवगुआ सिंगरौली। तो इनका जो नई जो संस्था इनको मिली है ये मिडिल स्कूल मिला है प्राथमिक शिक्षक से। इसके बाद में यहाँ पर आप पार्वती देख सकते हैं, और इनकी जो PS खड़ी सिंगरौली, यहाँ पर तमाम वो स्कूलों के नाम दिए हैं जहाँ पर नए शिक्षक जा रहे हैं, और वो भी नाम दिए हैं यहाँ से ये आए हैं प्राथमिक शिक्षक हैं और सभी, और अब इनका जो चयन हुआ है माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर ये लिस्ट है आप देख सकते हैं, बड़ी लिस्ट आपको बताना चाहता हूँ। वर्तमान पदनाम, पदस्थ संस्था का नाम, GMS, यहाँ पर MS, PS से MS में आए हैं। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं उन अतिथि शिक्षकों के लिए दिक्कत हो सकती है जो कई सालों से इन संस्थाओं में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब वो बाहर हो जाएंगे, और सरकार उनके लिए क्या नियम बनाती है, क्या उनके लिए जैसे पैनल अपडेट करवाए गए हैं क्या उनके लिए कुछ फ़ायदा होगा, या उनको उनकी जगह पर जहां से ये शिक्षक आए हैं वहां पर उस अतिथि शिक्षक को भेजा जाएगा। यानी अतिथि शिक्षक अगर 10-15 किलोमीटर के दायरे में आता है तो वो आसानी से ये साला सेलेक्ट कर सकता है और जा भी सकता है। तो यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं पदस्थ संस्था का नाम, और यहाँ पर बहुत सी ऐसी शालाएँ दी हुई हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों कई भाइयों के कमेंट्स मेरे पास भी आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट को चेक करें अगर, तो कितनी बड़ी लिस्ट है आप देख सकते हैं। टोटल इसमें जानकारी मांगी गई है, और जिनने पीछे BA कर लिया है उनके सब्जेक्ट भी पूछे गए हैं कि सोशल साइंस में आ भी रहे हैं या नहीं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अगर इस तरह के सब्जेक्ट BA में होते हैं तो फिर वो सोशल साइंस में ही आते हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश के तमाम वो शिक्षक जो प्रमोशन लेने से मना कर रहे हैं, उच्च पद प्रभार से मना कर रहे हैं, 40% शिक्षकों का कहना है कि हम उच्च पद प्रभार नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से शिक्षक लेना भी चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम, यहाँ पर लिस्ट में आपको बताना चाहता हूँ, लिस्ट ए रीवा संभाग की, अगर पूरे मध्य प्रदेश की लिस्ट निकालते हैं तो कितनी बड़ी होगी। ए मैथ हो या सोशल साइंस हो या इंग्लिश हो,
तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर योग्यताएँ पूरी कर ली हैं नियमित शिक्षकों ने, और उसी को लेकर अब उच्च पद प्रभार उनको मिला है। और यह उच्च पद प्रभार के कारण तमाम ए अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर देंगे नियमित शिक्षक, जल्दी ही इनको जाना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 504 शिक्षकों ने उच्च पद प्रभार लिया है, और दोस्तों इसी को लेकर 400-500 अतिथि शिक्षक अगर एक जिले से बाहर होते हैं, रीवा संभाग की बात है दोस्तों, अगर हर जिले से 200 या 300 ही अतिथि शिक्षक होंगे तो एक सब्जेक्ट के करीब 15,000 से 20,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। बाकी अभी भी अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश जारी नहीं कर रहा है लोक शिक्षण संचालनालय। तो आप सभी लोगों का क्या मत है, क्या कमेंट्स है, तो ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी भाइयों को जय श्री